नूरपुर में गाय की मौत के बाद अंगों को काटने का मामला सामने आया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। हिंदू संगठनों ने नूरपुर के चौगान मैदान में एकत्रित होकर प्रशासन के प्रति रोष जताया और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष उदय पठानिया के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नूरपुर में गाय के कटे अंग मिलने से हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष उदय पठानिया के नेतृत्व में नूरपुर के चौगान में रोष प्रदर्शन किया गया। परिषद ने गाय के अंगों को काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और जिला उपायुक्त संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अस्पताल के सामने बन रही मस्जिद के काम को रोकने की बात कही और साथ ही मस्जिद निर्माण में हो रही फंडिंग और बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों की पहचान करने की भी मांग जिला उपायुक्त से की गई। पिछले कल जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यहाँ पे गौ हत्या हुई है और जिसका हिंदू समाज में बड़ा रोष है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने यहाँ पर उसके खिलाफ अपना गुस्सा और अपना प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस जो हत्याकांड हुआ है, गौ माता की हत्या हुई है, उसके संदर्भ में हमारी ये मांग है कि एक गौ सेवा आयोग का गठन किया जाए, बड़ी शीघ्र से शीघ्र इसका आयोग का गठन किया जाए। दूसरा, यहाँ पे एक विवादित स्थल है जहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद ढाई गई थी, यहाँ पे फिर से इसका अवैध निर्माण शुरू हो गया है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इसके निर्माण को जो है तुरंत रुकवाया जाए। इसके साथ ही मातृ शिशु हॉस्पिटल खुल रहा है और यहाँ पे ना तो कोई मुसलमान आबादी है, यहाँ पे हिंदू घर हैं और हिंदुओं में यहाँ पे काफ़ी इसका रोष है। जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने भरोसा दिलाया कि गाय के अंगों को काटने वाला जल्द जनता के सामने होगा। उन्होंने पुलिस द्वारा आरोपी के काफी निकट पहुंचने की बात कही। जिला उपायुक्त ने सभी वर्गों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की और कहा कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। कल एक गाय मृत पाई गई थी और उसके कुछ अंग काटे हुए पाए गए थे, तो वो चाह रहे हैं कि उस पे तुरंत जो है वो एक्शन हो, जो भी कल्प्रिट है, जो भी मिसक्रिएंट्स हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। तो इस पे मेरा कहना है कि पुलिस ने ऑलरेडी केस रजिस्टर कर लिया है, काफ़ी एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए हैं और कुछ लोगों को जो है वो राउंड अप किया गया है, उनके साथ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है कंप्लीट जल्द जो है दिन में सामने आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक मस्जिद बन रही है तो इनका कहने का है कि ये मस्जिद जो है वो इसकी परमिशन इनके पास नहीं है, तो यहाँ नहीं बननी चाहिए, इस काम को रुका जाना चाहिए। और जो यहाँ पर और कुछ मिसक्रिएंट्स कह रहे हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से स्वर्ण राणा की रिपोर्ट।